मन का जो परिपारक है। आपको टूर कराते हैं इस पूरे अदालतगंज पॉइंट का। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नया जोश। और आपका भाई रयान एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है और आपका हमारे बंजारा चैनल में स्वागत है। और बंजारा आपको हमेशा से पूरे पटना का और पूरे बिहार का टूर कराता रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता है। कि अदालतगंज पॉन्ड का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में आज अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ नाजिश है। नाजिश, क्या हम लोग बताने वाले हैं इसमें? अभी हम लोग बताने वाले हैं कि आखिर इस अदालतगंज में जो पॉन्ड बनने जा रहा है उसमें क्या कुछ खासियत होने वाली है, किस तरह से काम की शुरुआत हुई और कब ये बनकर तैयार होने वाला है, और बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए एक सौगात की बात होगी। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया, अभी नाजिश ने सब कुछ बता दिया। तो चलते हैं, आपको टूर कराते हैं इस पूरे अदालतगंज पॉन्ड का। उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अदालतगंज का पॉन्ड जो है वो आखिर कैसा होने वाला है। क्या नाजिश, से ही आप अदालतगंज पॉन्ड के लिए एंट्री करेंगे तो ये एंट्रेंस गेट है, फर्स्ट एंट्रेंस गेट है जो जिससे आप अंदर जा सकते। बहुत ही पुरानी एक मंदिर है जो कि शिव जी की मंदिर है। ये वाला मंदिर जो है बहुत ही पुराना मंदिर है। और साथ में यहाँ पर एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। सो चलते हैं अंदर और आपको अदालतगंज पॉन्ड के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा व्यू मिलने वाला है आखिर बिहार वासियों को। Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard. तो ऐसा है कि अभी हम इस अदालतगंज पॉन्ड के अंदर आ चुके हैं और ये वाला पॉन्ड आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे का क्या कुछ नजारा है, कितना बड़ा ये पॉन्ड है। बताया जा रहा है कि 2.81 एकर्स में ये पॉन्ड फैला हुआ है। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, बाबा वो पट्टी रहेगा। अच्छा, कैसा बन रहा है ये तालाब? बहुत बढ़िया, सुंदर बना। क्या बोल रही चाची? बहुत सुंदर है, तो हम कहीं देखे नहीं है पटना में का जो परिपारक। अच्छा, तो मतलब खुश है? बहुत खुश है, दम देख करके तो दम खुश हो रहा है। बचपना से देखते आ रहे हैं हम लोग इसे मंदम तालाब। यहाँ पे क्या होता था पहले? ऐसे तालाब होता था पहले, हम लोग मछली मारते थे गर्मी में। अच्छा अच्छा, हम लोग सूख जाता था मछली से मार लिए, बिल्कुल सूख गया था, खेलना कूदना बाल बच्चा सब ने हाथा धोया। क्या इसमें क्या फैसिलिटी मिल रहा है, क्या फैसिलिटी मिलेगा? फैसिलिटी तो अभी के लिए बहुत सुंदर हम लोग के लिए बन रहा है। अच्छा, बैठने उठने लाइक हो गया, खेलने लाइक हो गया है, कोई भी कहीं से आवे तो देखे। जानते हैं नामी हो गया है अदालतगंज का तालाब, नामी नामी है हर जगह से, बढ़िया हो गया है। तीन गो तालाब आपको यही बच रहा है, तारा मंडल वो खत्म हो गया, एक अंदर था बस्ती में वो भी खत्म हो गया। अच्छा, यही तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ पे जो निवासी, यहाँ के रहने वाले जो अंकल हैं वो क्या बता रहे थे। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं और कुछ व्यू आप इस तरह से पीछे का देखिए कि ये अदालतगंज का जो ये तालाब है ये कुछ व्यू आपको पीछे से देता है। 2.81 एकर्स में ये तालाब फैला हुआ है। और एक चीज खास बात आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है पूरा ये प्लांटेशन किया जा रहा है, पूरा ग्रीनरीज का जो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये हमारे पीछे इस अदालतगंज का पूरा मैप है जिसमें बताया हुआ है कि 2.81 एकर्स में है और साथ में इसमें क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी वो सारा कुछ है। वन एंट्रेंस प्लाजा है, एग्जिस्टिंग टेम्पल है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर पार्किंग है, गार्ड रूम है, पब्लिक टॉयलेट है, फूड कोर्ट जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी हो, ओपन आर्ट थिएटर भी है यहाँ पे। तो बहुत कुछ अमेजिंग मिलने वाला है यहाँ पे। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे बोटिंग भी होती है और यहाँ पे बोट्स वगैरह भी आए। हाँ, यहाँ पर गाइस ऐसा है कि यहाँ पे बोटिंग भी होगी आने वाले समय में, बट अभी जो है कि एक ही बोट आया है तो वो आपको हम दिखा देते हैं। और सारे जो अभी हमने अधिकारियों से बात किया तो बोट्स और आ रहे हैं और लोग बोटिंग यहाँ पे करेंगे और खूब आनंद लेंगे, खूब मजे करेंगे। Losing control, I get it.
तो गाइज आपने देखा कि अभी जो बोट है वो यहाँ पर आ चुका है, एक बोट, बोट्स के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और कुछ ही दिन में ये बोट्स भी आ जाएंगे, तो आप लोग बोटिंग भी इस पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूरा जो है ना हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर ग्रीनरीज का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है, तो वो ग्रीनरीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरा जो है ना दोनों तरफ से गाइस, ये वाला, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो है वो ग्रीनरीज का ख्याल रखा गया है। साथ में यहाँ पे जो है ना, ये देखो आप, यहाँ पे ये बेंच लगाए हुए हैं, यहाँ पर सीमेंटेड ये बनाया हुआ है बैठने के लिए। और देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये नया लाया गया है, प्लांट है, अभी इसको प्लांटेशन नहीं किया गया है, ये इसी तरह से है, इसको प्लांटेशन किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो लगा दिए गए हैं और बहुत सारे प्लांट्स को लगाने का काम अभी चल रहा है, सो आगे देखते हैं और क्या मिलने वाला है। पेड़ है यहाँ पर, ये पहले से ये पेड़ है, तो ये देखो यहाँ पूरा तगड़ा वाला व्यू आ रहा है। कि पेड़ को पानी भी चाहिए, तो पानी पटाने के लिए यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पे नल बनाए गए हैं और पूरा जो है कि इसी से मतलब पूरे मतलब यहाँ पर प्लांट्स को पानी दिया जाएगा। भैया क्या इसका कैसा काम चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 15-20 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ओपनिंग कब होगा इसका? आप नहीं बता सकते? आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिकल का काम, तो क्या मतलब इलेक्ट्रिकल में क्या कुछ यहाँ पे सुविधा दी जाएगी बिहार सरकार की तरफ से? सर मैं यहाँ पर एक सोलर लाइट लगा हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा, इसका ये है फीचर पिलर है। अच्छा इसमें टाइमर लगा हुआ रहता है। अच्छा शाम को एटमेटिक ऑन होगी और सुबह में अपने, तो उससे क्या कैसा लगेगा वो, कैसा बनेगा वो, इसका देखिए काम क्या होगा? गार्डन जो है, हाँ गार्डन में जो लाइट जलता है, तो गार्डन का कुछ उसके बढ़ेगा, उससे चारों तरफ जो लाइट लगा हुआ है पतला पतला पोल की जैसे ये वाला है ना, इसी को जला के लाइट। अच्छा तो इससे खूबसूरती बढ़ जाएगा। और लाइट शो वगैरह भी है क्या? हाँ इसमें है फाउंटेन लाइट है, म्यूजिकल फाउंटेन लाइट है। अच्छा अच्छा, जो म्यूजिक पानी में चलेगा, तो उसका काम हो गया कम्प्लीट? उसका मटेरियल आ गया है। अच्छा बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल, तो आपने सुना देखा कि अभी यहाँ पे इस पौंड को सजाने के लिए कितना खासा ख्याल रखा गया है। ये देखिए ये साइड में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सारा लाइट ये पूरे पार्क में दिया हुआ है, पूरे चारों तरफ से जो फुटपाथ बनाए हुए हैं ना चलने के लिए, वो चारों तरफ वो सारे लाइट लगे हुए हैं, जो कि शाम में ऑटोमेटिक ये जल जाएंगे और ये रात में बंद हो जाएंगे, और उसके बाद बीच में फाउंटेन लाइट भी है, या फिर और कोई भी मेट्रो सिटी की अगर हम बात कर ले वैसा होता है सारे पार्क में, तो इस पौंड के पास आकर के लोग खूब इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और खूब आनंद उठाएंगे। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं ये ग्रास जो है ना, ये पौंड के पास में ग्रास है, या फिर आप इधर की तरफ उधर की तरफ देखेंगे आप पीछे में, उधर की तरफ ग्रास लगा हुआ है, तो ये जो ग्रास है वो रेडीमेड ग्रास है और इसको ला करके यहाँ पे बिछाया गया है, और उसके बाद वो ग्रास जो है ना वो सेट कर जाएगा और खुद ब खुद वहाँ पे ग्रास उगने लगेगा। पीछे ये ग्रास जो है वो कटिंग है और इसको इस तरह से प्लांटेशन इसका किया गया है, लगाया गया है इसको यहाँ पे। ये देखिए बीच में यहाँ पर ये वाला पेड़,
ऑसम लग रहा है ये वाला पेड़ भी, इसको भी इसी तरह लगाया गया है और आगे चल करके ये 2-4-5 महीने के बाद बड़ा हो जाएगा। एरिया बनाया गया है ये घाट के लिए है स्पेशली। इधर देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये भी नीचे में ये स्पेस दिया गया है घाट के लिए। ऐसे नॉर्मल डेज में लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए भी इंतजाम है। पूरा जो सीढ़ियाँ है ना, ये जो हमारे पीछे आप नीचे में देख रहे हैं ये वाला, इस पे भी लोग बैठेंगे आराम से मजे करेंगे। ये देखिए आप, ये वाला ये स्टेज टाइप का बनाया हुआ है, जैसे किसी को फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो फोटोग्राफी कर सकता है। और यहाँ पर आकर के बाउंड्री ये पूरा दिया हुआ है ताकि कोई गिरे नहीं और जो है कि लोगों की जान बच सके। अभी टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि आप पीछे देख लीजिए ये वाला टॉयलेट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे ही बैठने की सुविधा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो हाँ, ये कैफेटेरिया है ना, ये कैफेटेरिया के लिए है, यहाँ पर लोग बैठ के चाय नाश्ता खाना पीना जो स्नैक्स वगैरह होता है यहाँ पर अवेलेबल होगा आने वाले कल में जब इसकी ओपनिंग हो जाए। सर यहाँ पर कैसी सुविधा दी जाएगी, मतलब क्या कुछ है यहाँ पर जिससे लोग का जो है कि लोग यहाँ पे आएंगे तो इंजॉय कर सकेंगे? इंजॉय कर सकेंगे, यहाँ देखिए अगल बगल में देख रहे हैं। हाँ, कैंटीन भी है, कैंटीन है, चाय का है और यहाँ बैठने का सुविधा दिया गया है। अच्छा अच्छा। और अगल बगल जो देख रहे हैं चारों घूमने का है। हाँ हाँ। पार्क वगैरह सब तैयार हो रहा है। अच्छा, और फाउंटेन भी है क्या यहाँ पे? म्यूजिकल फाउंटेन है। अच्छा अच्छा। म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ जो देख रहे हैं। हाँ, पीछे में घाट है। हाँ, लेजर का शो होगा। अच्छा, लेजर शो होगा। लेजर शो होगा। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे सुने की बोटिंग वगैरह भी होगी? बोटिंग का पहले से प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकार के आए थे कुछ दिन पहले, विभागीय अधिकारी आए थे, उन्होंने देख करके इस पर विचार कर रहा, हो सकता है आगे दिन बोटिंग का भी प्रावधान इसमें। कब तक खुल जाएगा लोगों के लिए? लोगों के लिए अब सरकार का जब मर्जी हो, हम लोगों को मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसका लगभग सारा काम कंप्लीट है। अच्छा, ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है? ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, और बस वाटर फाउंटेन के लिए काम करना है, तो जिसका सारा सामान आकर के यहाँ पर रखा हुआ है। और सरकार अगर जो मैंने डेट घोषणा करेगा तो हम लोग बिल्कुल अभी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, तो आप नीचे देखिए, मैंने आपको फाउंटेन शायद नहीं दिखाया शायद, तो ये जो है कि यहाँ पे फाउंटेन है और पीछे जो है कि लेजर शो चलेगा वहाँ पर। और वो आप मेरे पीछे देखिए, उधर की तरफ एक गेट है जो कि मिनी गेट है, और एंट्रेंस गेट तो हमने आपको दिखा दिया कि ये वाला एंट्रेंस गेट है। और चारों तरफ से जो लाइटनिंग की जो सुविधा होती है ना, वो लाइटनिंग की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और टॉयलेट भी यहाँ पर है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि टॉयलेट भी है। और तो ऐसा है गाइस कि अगर ये खुल जाएगा तो आप लोग आइए यहाँ पर, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। और पटना को स्वच्छ बनाना है तो स्वच्छता का थोड़ा ख्याल रख करके गंदगी ना फैलाइएगा। तो कैसा लगा नाजिश ये वाला पौंड अदालतगंज का? काफी अच्छा है, काफी खूबसूरत है, और खासकर ये जो फाउंटेन है जो कि म्यूजिकल फाउंटेन है वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आई है। सो म्यूजिकल फाउंटेन भी है और लेजर शो भी यहाँ पे होगा। आपको बता देते कि और भी बहुत सारा अपडेट जो है जो कि हमें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो घाट है वो बनाया जा रहा है, ग्रीनरीज का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है और आर्टिफिशियल ग्रास जो होते हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, साथ ही साथ बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। वाओ, अमेजिंग। बोटिंग जो होता है ना वो बहुत ही तगड़ा आपको व्यू देता है, आराम से पानी के बीचों बीच बैठिए और मूंगफली चबाइए। तो ऐसा है गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा, और अपने भाई को रयान अहमद को, बंजारा व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिएगा, बंजारा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा,
आपने इंस्टाग्राम पर अपने भाई का पेज अगर फॉलो नहीं किया है तो गाइज फॉलो कर लीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिएगा। अगर आप इस अदालतगंज पाउंड पे आते हैं तो आपको एक और व्यू मिलने वाला है, जैसे आप पीछे देखिए, आई लव कोलकाता, वाओ अमेजिंग। और ये वाला व्यू जो है ना, इस व्यू के लिए लोग पागल रहते हैं, जिस तरह से आई लव दिल्ली, आई लव मुंबई एंड आई लव पटना ऑल्सो हियर। तो गाइस आइए आराम से मजे कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।